देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर करीब 4 लाख नए केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी 3,500 के पार है। भारत में कोरोना का प्रकोप कितना ज्यादा है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। भारत में कल कोरोना के 3,92,488 नए केस सामने आए। इससे अलग दुनिया भर के टॉप 50 संक्रमित देशों में मिलाकर 3,91,000 लोग संक्रमित हुए हैं, यानी 50 देशों के टोटल केस से भी भारत में 1,000 ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,689 संक्रमितों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,07,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में इस समय एक्टिव केस की संख्या 33,49,000 से ज्यादा है। देश में अब तक 1,95,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 1,59,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। SBI रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर अब से 20 दिन बाद यानी मई के मध्य में पीक पर पहुंचेगी। इस बीच अस्पतालों में इलाज के लिए संक्रमितों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हॉस्पिटल में बेड की कमी है, तो वहीं मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य मेडिकल उपकरणों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें मदद का दावा कर रही हैं, लेकिन मरीजों के लिए ये नाकाफी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 77 सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। 24 घंटे में दिल्ली में मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार से हाहाकार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौत ने 400 का आंकड़ा पार कर दिया। एक दिन में कोरोना के 25,219 नए केस सामने आए। हालांकि थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 31.61% हो गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे टीके। 77 सरकारी स्कूलों में सोमवार से वैक्सीनेशन। 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को लगेंगे टीके। उधर दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया है, जिसे सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस दिल्ली की सड़कों पर लगातार निगरानी रखे हुए है। इस वक्त हम मौजूद है जाकिर हुसैन मार्ग पर, जहां देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखे हुए हैं। बकायदा जो है उन्हें रोका जा रहा है, उनका पहचान पत्र जो है वो देखा जा रहा है। कोरोना संकट को लेकर CM योगी का निर्देश, प्रदेश में 4 मई से टेस्टिंग अभियान चलेगा। हर गांव में उपलब्ध कराई जाएगी मेडिकल किट। घर घर जाकर किया जाएगा एंटीजन टेस्ट। लक्षण आने वाले व्यक्तियों का होगा कोरोना टेस्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए। मनीष, गांव गांव में जो किट उपलब्ध कराई जा रही है, यानी सरकार अब इस अभियान के लिए तैयार है कि अगर शहरों से गांव की तरफ ये बढ़ता है तो पहले से ये एंटीजन टेस्ट कराया जाए और फिर RT-PCR टेस्ट, तो सरकार पहले से एंटिसिपेट करके तैयारी कर रही है। देखिए बिल्कुल, चूंकि पंचायत चुनावों में जिस तरह से भीड़ जमा हुई है, काउंटिंग के दौरान काउंटिंग प्लेस पर जो भीड़ देखने को मिली है, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि मतगणना स्थल से भीड़ को हटाया जाए और जो लोग अपने घरों पर जाएंगे, क्योंकि संक्रमण का विस्तार अब गाँव तक पहुंच गया है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि गाँव में टेस्टिंग हो। तो उसके लिए 4 मई से एक विशेष अभियान चलाए जाने का फैसला हुआ है। Team 9 की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके लिए सभी राजस्व गांवों को एंटीजन किट मुहैया कराई जाएंगी और व्यापक पैमाने पर यह अभियान चलाया जाएगा। खासतौर पर उन लोगों का जिनकी तबियत खराब है, उनकी चेकिंग पहले की जाएगी, उनकी टेस्टिंग पहले की जाएगी और उन्हें अगर घर पर आइसोलेशन सेंटर, आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें आइसोलेट करने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर जो गांव देहात में संक्रमण रोकने की कवायद को अब अमली जमा पहनाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ली है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो लगातार सक्रिय भी है। Team 9 की बैठक ले रहे हैं, DRDO के अस्पताल का निरीक्षण किया। कल वैक्सीनेशन अभियान की जब शुरुआत हुई युवाओं के लिए, तो वहां पर भी अवंतीबाई अस्पताल जाकर जायजा लिया है और आज बैठक में ये निर्देश दिए हैं। और ये अहम निर्देश है क्योंकि ऐसी आशंका जाहिर लगातार की जा रही है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए हैं और उसके बाद अब काउंटिंग के दौरान भी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि गांवों तक भी फैले कोरोना, तो पहले से अगर इस तरह की टेस्टिंग किट पहुंचाई जाएगी तो बड़ी संख्या में कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है।